हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चने के साग के पकौड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी और करारे बनकर तैयार होते हैं। इन पकौड़ों को आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा चने के साग मिलते हैं, तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए चलिए मेरे साग के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी। हरे चने के साग के पकौड़े के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए चना दाल, इसको मैंने 5 से 6 घंटे धुल के सोख कर दिया था, ये है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चावल को भी पानी में सोख कर दिया था। यहाँ पे ये हरा चना, आजकल विंटर में ये सीजन में बहुत मिलता है मार्केट में। इस तरीके से इसको मैंने, इसके ये दो छोटे छोटे सॉफ्ट वाले पत्ते हैं, इनको कट करके बारीक चॉप करके इसी से हम पकौड़े बनाएंगे। और यहाँ पे आलू कटा हुआ है बारीक, हमने छोटा छोटा आलू को कट कर लिया है। और इसमें हमने, यहाँ पे मैं ली हूँ हरा धनिया, लहसुन की पत्तियाँ, हरी मिर्च, अदरक, आप इसमें लहसुन भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम पीस के, इसका पहले हम इस चने की दाल का एक पेस्ट बनाएंगे। चने की दाल में हम ये थोड़ा ये चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी चना की दाल ली है और उसका 1/4 चावल लिया है। और ये धनिया, लहसुन की पत्ती, मिर्चा, अदरक, इसको हम मिला करके एक इसका दरदरा सा कोर्स इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बनाते हैं। तो चलिए पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हम चना का दाल ऐड करेंगे और इसी में हम थोड़ा सा चावल भी डाल देंगे। अब इसे हमें दरदरा पीस लेना है, इसे हम कोर्स पीसेंगे जिससे ये दरदरा हो। पेस्ट हमें नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी पकौड़ियाँ फिर टेस्टी नहीं बनेंगी। दरदरा बनाएंगे तो बहुत क्रंची और टेस्टी पकौड़ियाँ बनकर हमारी तैयार होंगी। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। देखिए हमारा दाल पीस कर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमको पीसना है, इसे बहुत फाइन नहीं करना है, ऐसे इसको दरदरा हमें पीसना है। इसी तरीके से सारा दाल और चावल को हम पीस लेंगे। इन चीज़ों को मैंने ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब चलिए इसको भी हम पीस लेते हैं। इसको हमें फाइन पीसना है, इसको एकदम फाइन पीस के तैयार करेंगे, फिर इसको हम दाल में मिलाएंगे। मैंने चने के साग को ऐसे फाइनली चॉप कर लिया है। अब इसी में हम ये चने की दाल और चावल को जो मैंने पीस के रखा है, इसको मिला देंगे हम। इसको ऐड कर देते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे ये आलू चॉप किए हुए, अपनी मर्जी की कमी ज्यादा कर सकते हैं। ये जो मैंने धनिया, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया था, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। इसमें नमक जाएगा स्वाद के अनुसार, नमक ऐड कीजिए आप। यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च मैं डाल दे रही हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। इसको आप स्पून से या हाथों से किसी भी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। मैं इसको हाथों से मैश करूंगी, अच्छे से मिला लूंगी, क्योंकि पकौड़े हमारे तभी अच्छे बनेंगे। चलिए इसको मैं अच्छे से हाथों से मिला देती हूँ। मैंने हाथों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। देखिए हमारा पकौड़े का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इससे हम बड़े बड़े थोड़े साइज के पकौड़े बनाएंगे और इसको हम एकदम गोल नहीं करना है, इसे रफली उठा के और फिर इसे पकौड़े बनाएंगे। तो हल्का सा, इनको बहुत अच्छा शेप देने की जरूरत नहीं है, इस तरह से हम लेंगे। और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इस तरीके से पकौड़े डालेंगे। इसी तरीके से बाकी के पकौड़े हम डाल लेते हैं। अब ये एक तरफ से हमारे पकौड़े सिक चुके हैं लगभग, तीन पॉइंट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से कलर आ गया है पकौड़े को।
तैयार होते हैं। आप जरूर इन पकौड़ों को बनाइए विंटर से और एंजॉय कीजिए। इन पकौड़ों को हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो अंदर तक पकौड़े क्रिस्प नहीं होंगे और थोड़े कच्चे भी रह जाएंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे आप रख के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको आप पकाइए। ये हमारे पकौड़े एकदम गोल्डन और क्रिस्प फ्राई हो करके निकल गए हैं। अब इनको सभी हम डिश में रखते हैं। बेस भी पकौड़ों का डाल दिया है। ये पकौड़े आप जब भी बनाएं तो बेसन से ना बनाएं, चने दाल और चावल से बनाएं कि उससे ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। इनका स्वाद ही अलग होता है। आप एक बार इस तरीके से, इस मेथड से ये पकौड़े बनाकर खाइए। आप हमेशा इसी तरीके से इन पकौड़ों को बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे इसको ग्रीन चटनी के साथ। धनिया टमाटर भी बहुत ही ये टेस्टी लगता है। सर्दियों में साग तो खूब मिलता है। बनाइए और इन्जॉय कीजिए। पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इनको चलिए हम निकाल के अब प्लेटिंग करते हैं इनकी। इनका तेल अच्छे से निकल गया है। तो बनकर तैयार हो गए हमारे हरे साग के, चने के साग के पकौड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी। देखिए इनकी आवाज से आपको पता चलेगा कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। टेस्टी तो इतने हैं, अगर इनको एक बार आप ट्राई करेंगे तो जरूर बार बार बनाएंगे। ये पकौड़े बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आएगी तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।